प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ब्रदर अभिषेक, बहन अरीन और सिस्टर को, शोभा जॉन को खुदावन ने एक प्यारे घर से आशीषित किया और उसका नाम मकबीला रखना चाहते हैं। एक ऐसी जगह जहां से पुनरुत्थान हुआ और खुदावन सोए संजीव थे। धन्यवाद देते हैं इस जगह के लिए। आपका नाम प्रभु यीशु मसीह नाम लेके जब हम इसका फीता काटते हैं तो इस घर में आप ही प्रवेश करेंगे। हर दुष्ट की चाल यहाँ से विफल हो, अधोलोक के कुंड में देव दुष्ट के लिए बांधी जाए और आपका पवित्र आत्मा खुदावन यीशु मसीह यहाँ पे वास करे। आपका नाम मुबारक है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में घर का फीता काटते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस प्यारे घर के लिए जो आपने अभिषेक, बहन अरीन और बहन शोभा जॉन को प्रोवाइड किया है। इस घर में आपकी शांति विराजे और आपकी मौजूदगी यहाँ बनी रहे यीशु मसीह के नाम से। बहुत ही सुंदर अवसर के लिए जब आपने अभिषेक, बहन अरीन और सिस्टर शोभा जॉन को एक घर से आशीषित किया, आज हम इसमें आपकी तारीफ और तमजीद करते हैं, आपके लिए आवाज उठाते हैं। तो है खुदावन इस आवाज से ये घर भर जाए, स्तुति की ध्वनि से घर भर जाए और आपका पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बिश करे। तो है खुदावन आप आए और यहाँ पे हमसे बात करें। आज का वचन आप ही हमें बख्शे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। मक्के लिए जो खुदा ने हमें दिया है, इस प्यारे घर के लिए जिसका नाम मकबेला रखा है, और हम लोग सब बहुत ही आनंदित हैं इस मकबेला में आकर के। मकबेला वो जगह थी इंस्पिरेशन के द्वारा जहाँ पे इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को गाड़ा और इट वॉज ए गेट वे टू That Garden of Eden. Amen. 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 This is a place नाम की तारीफ हो। आइए धन्यवाद स्वरूप इस गीत को गाएंगे। मैं सुनता हूँ कि हमें से सबको ही आता होगा। Blessed be the name, all praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die that He might live. Amen. Blessed be the name. Amen. All praise to Him who reigns above in majesty supreme, who gave His Son for man to die that He might man redeem. Oh, blessed be the name, blessed be the name, blessed.
Let's go on talking about the Lord.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let's all stand while we sing that chorus. Only believe all things are possible before we enter the word. Says all things work together for good to them. Amen. And love the Lord. Lord, I know. Hallelujah. You are picking us up and glorifying us. Amen. We were your thank you, Lord. Amen. Lord, I really thank you for your predestination. And then thinking for an adoption for us. Hallelujah. I pray, Lord, that you give us grace. Amen. While we are here, Lord, in this occasion of inaugurating this place. Yes, my and Lord. And Brother Abhishek and his whole family. Amen. Sister Erin and Sister Shobha John shift here. Hallelujah. Yes. Oh Lord, I pray may your grace and peace abide in this Amen. Place. Amen. Now Lord, you bless us with your word. Amen. It's my prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Aiyye hum khudavand ke kalam ko khole. Mere saath ek bada jana wala scripture aapko dikhane. अय्यूब की किताब और उसका 19वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक. Oh that my words were now written, oh that they were printed in a book, that's right, that they were graven with an iron pen and laid in the rock forever. For I know that my Redeemer liveth, that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God, who I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. हम धन्यवाद देते हैं आज खुदा और इस प्यारे दिन के लिए. दुआ है खुदा और आप आए और इस घर को ब्लेस करें. आप ही वचन बख्शें प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Amen. Amen. आप लोग बैठ सकते हैं. प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो इस प्यारे मौके के लिए जो आज प्रभु ने बख्शा. Amen. कि
आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हूँ इस ओकेजन पे, इससे पहले कि ब्रदर अभिषेक और फैमिली इस घर में शिफ्ट करें, पहले इस घर के लिए दुआ हो। आमीन। और तमाम कंस्ट्रक्शन के कारण और तरह तरह के लोग आए होंगे, काम किया होगा, तरह तरह के सामान जगह जगह से आए लगे, तो मैं कहूंगा कि वो तमाम दुष्ट की चालें विफल, जैसा हमने दुआ भी करी, और मेरी दुआ है कि तमाम दुष्ट की चालें यहाँ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाती हैं। ये जगह हमारे प्यारे भाई बहन सिस्टर शोभा जॉन को फले। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि बड़े लंबे अरसे से ये फैमिली प्रभु के साथ चल रहा है, और खुदावन के फजल से धीरे धीरे खुदावन इनको एक ऐसे स्थान पे लेके आए, ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए, और अब शिफ्ट क्या हुए, खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु ने घर दी, भाई को प्रोवाइड किया। मुझे बात करी, बताया, और मुझे भाई राजीव सिंह पता लगा कैसे खुदावन ने एक मिरेकल किया भाई के जीवन में, और कैसे खुदावन ने फंड्स का अरेंजमेंट किया। सो गवाही के तौर पे क्या घर हवा में से गिरते हैं, तो भाई ने यही गवाही दी कि ऐसा ही हमारे साथ है। लेकिन मैं कहूंगा जो हवा से गिरा घर है आज उसमें हम खड़े हैं। आमीन। हालेलुया। जो विचार था आज सामने पता है, ऐसे ही हमने विचार रखा होगा एक आसमानी घर का। थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई बहन ने इसका नाम मकपेला रखा, जो कि एक गुफा थी जहां पे कि अब्राहम, सारा और तमाम पुराने अरनामे के कई संत, खासतौर से वो परिवार पेट्रियार्क्स गाड़े गए, यूसुफ भी वहीं गाड़ा गया, क्योंकि उनके पास एक दर्शन था। ये वो जगह है जहां से कि पुनरुत्थान होगा। आप लोग सब मैसेज को जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूं। खुदा रहम करें, कोई चीज समझ में आए। अय्यूब की किताब हमने क्यों उठाई, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रेवलेशन एक क्रिश्चियनिटी वाले वर्ल्ड के पास नहीं था। बीच में अगर इंग्लिश में हो जाऊं तो प्रॉब्लम तो उनसे भी जो रिकॉर्ड सुनेंगे तो मुझे मालूम है ये भी रिकॉर्ड होके चला जाता है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, एनी हाउ गॉड ब्लेस यू। तो आप सब लोग जो सुनेंगे गॉड ब्लेस यू। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, अगर एक नबी ना होता आज तो शायद अगला वाक्य जो मैं बोलने जा रहा हूं मैं कभी बोल नहीं पाता जिंदगी भर। अगला वाक्य आप पूछे मतलब कौन सा वाक्य, वाक्य ये कि मकपेला की गुफा अब्राहम ने अय्यूब की कबर देख के चुनी। That's my answer. Amen. Yes. आगे बात। Now ये बाइबल में अगर आप पढ़ें तो ये कहीं पर भी आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे याद है लास्ट मैसेज में मैंने भूमिति पीटर भाई के यहाँ लिया मलकीपुरम में, बड़े इंस्पिरेशन में मैंने उस मैसेज को रखा था। Yes, sir. और खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो, लेकिन क्या उसके बाद लॉकडाउन वगैरह जो भी हुआ दुनिया में, तो दुनिया का हाल चल ही रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि अय्यूब ने बाय रेवलेशन एक जगह देखी। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। नबी ने कहा अपने जीवन के जब लोएस्ट पॉइंट पे था, yes, he was in his darkest hour. Yes, और जब वो अपने जीवन के darkest hour में था, when पूरे सर से लेके पैर तक he was filled with boils, and he was scraping his body, और he was in his ash, जैसा आप लोग में से सुन चुके हैं, और उस ash में बैठा है, और प्लस ऊपर से कोड़ में खाज तीन मित्र और आ गए, जो कि उस पे accusation लगाना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो किया है यू, ऐसे किसी का हाल नहीं होता है, कुछ याद करो ये है वो है। हाँ, उसमें गलती हो गई उससे कि he started to justify himself, और रहम करने वाला एक पार्ट है जो Sundays boy, जब हम मेंटिंग उसे देखेंगे। But anyhow, लेकिन ये अय्यूब को मालूम नहीं था कि मुझ पे बाजी लगा रहा है मेरा खुदा। Amen. और ये लड़ाई खुदा और शैतान के बीच है, और खुदा प्रूव करेगा शैतान के सामने। Hallelujah. जब मैं किसी पे दम भरता हूँ, तो मेरा नाम भी खुदा। Amen. Amen. Amen.
तभी मैंने चुन के पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को कंसिडर किया? Yes. और ये अय्यूब क्योंकि खुदा वाले न्याय नहीं है, क्योंकि ये खुदा की ओर से हुआ, तो जो कुछ भी हुआ अय्यूब के जीवन में उसमें कुछ बेहतरी तो होनी ही थी। Yes. और वो बेहतरी क्योंकि खुदावन की ओर से अलाउ किया गया डेविल को, तो फिर मैं कहूंगा खुदावन ने ही कुछ करना है अय्यूब को उठाने के लिए। When he came to the lowest part of his life, जो कि जिंदगी का darkest hour था, he was stripping his balls, everybody left him, यहाँ तक कि उसके अपने खानदान के लोग उससे पीछा छुड़ा के दूर भगाए, कोई रिश्तेदार फोन नहीं करता, सब अलग हैं, मतलब he's just left alone. And in fact, उसकी खुद की पत्नी रवि ने बोला, कहा कि curse God and die, मतलब उसने कहा तू एक बेवकूफ औरत की तरह बोलती है, इस किस्म की बातें हैं, you know, क्या हुआ मैसेज में, सारी डिटेल आपको मालूम है। लेकिन नबी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में कुछ खुलना शुरू हुआ अय्यूब के सामने, जो शायद सुख में रहते हुए ना खुला। तो एक फेज भी खुदावन लेके आते हैं कुछ चीज खोलने के, और उस दुख की घड़ी में एक दिन में बच्चे, एक दिन में गाय बैल भैंस ऊंट और सब खत्म हो गया जी। उन्होंने कहा खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। अब इतना ही काफी नहीं कि सिर से लेके पैर तक कपड़ों से भर गए, ऐसे ऐसे चल रहे हैं और बुरा हाल है, स्क्रेप कर रहे हैं और बुरा हाल है और समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। इस हालत में कुछ सोच विचार चालू हुए और सोच ऐसे चालू हुए कि जब वो बैठे हैं ऐश हीप पे तो एक विचार आना शुरू हुआ, देखो लोग मुझसे ज्ञान सुनने आते हैं और सच बात है मेरे को खुदा ने ज्ञान दिया, तो इस ज्ञान को अगर मैंने पाया तो मैं देख पाता हूं कि एक पेड़ मरता है लेकिन फिर बसंत ऋतु में जी उठता है, नई पत्तियां निकलती हैं, बारिश नहीं होती है नदी सूख जाती है, बारिश आती है वो नदी फिर जाग जाती है जी, और नदी में जीवन आ जाता है। हर चीज में जो प्रकृति में है, प्रकृति में है, मैं कहूंगा आप पाते हैं कि मरना और फिर से वापस आना है जी। हम इंसानों का क्या होगा, हम आते तो हैं फिर जब बुजुर्ग हो जाते हैं उसको गाड़ देते हैं, उसके बाद क्या? ये विचार अय्यूब के जीवन में उस दुख की घड़ी में आना शुरू हुए, और जब उस दुख की घड़ी में ये विचार आना शुरू हुए कि आफ्टर ऑल एक इंसान का क्या होगा, तो उसके पास जवाब नहीं लेकिन उसको ये मालूम है कि अगर मैं भी खुदावन की योजना का एक हिस्सा हूं और हर चीज जो खुदावन की योजना को पूरा करती है उसके लिए एक रिजरेक्शन है, तो कुछ ना कुछ हम इंसानों के लिए भी है। और तब वो 14वें अध्याय में कहता है मनुष्य जो स्त्री से जन्मा है थोड़े दिनों का है जी, लेकिन एक पेड़ के लिए ज्यादा उम्मीद है। और ऐसी बातें करने के बाद ये है कि पूरी जिंदगी भर मैं इंतजार करूंगा जब तक कि मेरा बदलाव नहीं आएगा। उसको मालूम था एक दिन आएगा मैं बदलूंगा, उसको मालूम था एक दिन आएगा जब समय बदलेगा, और समय बदलने वाली कोई घड़ी होगी, मुझे नहीं मालूम क्या है कैसे है। He's in a hopeless state. और उस hopeless situation में जब सब लोग छोड़ के जा चुके, he's left alone. खुदावन अपने विश्वासी को टेस्ट के ग्राउंड पे एक ऐसे स्थान पे ले आया कि वो यहां तक पहुंच गया कि nobody is there with him. जी जी। और खुदावन ऐसे hard trials and tests देते हैं, but tests are important. बिना टेस्ट के प्रमोशन नहीं है, बिना टेस्ट के अडॉप्शन नहीं है, बिना टेस्ट के पावर नहीं मिलती है। इससे पहले कि पावर मिले, पावर मिलने से पहले होटल लाइफ नहीं है, पावर मिलने से पहले थोड़ी सी क्रिश्चियन लाइफ है, जिसमें की ट्रबल्स है, जिसमें की प्रॉब्लम्स है। आप सहते हैं, आपके सामने दूसरा हंसेगा खुश होगा और आप रोएंगे और तब आप सोचेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिचुएशंस आती हैं विश्वासी के जीवन में जब वो देखे हैरान होता है कि यार देखो ये हंस रहे हैं जबकि ये बुरे हैं, लेकिन हम जो आपको की भक्ति करते हैं हम रोज सफर करते हैं, ये क्या चक्कर है, यू नो ऑल दीस काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन विद अ बिलीवर। और जब ये विश्वासी के साथ ऐसी चीजें होती हैं, ही इज ब्रॉट टू अ प्लेस क्या वो सोचे कि बेयर मिनिमम पे आ जाए और रूट्स पे आए सोचने के लिए What is the essence of life? Amen. जीवन का एसेंस क्या है, मुझे खुदावन कहां लेके जाना चाहते हैं, Where does he actually want me? And जब ऐसी हालात में वो पहुंच गया, he was in his darkest hour. That's right. When Jesus came. Amen. I want to tell you,
नबी ने कहा ऐसे सुबह 8 बजे का टाइम होगा। आमीन। आपको टाइम कैसे मालूम? It was a very clear day. Amen. How do you know, Brother Branham? It was a clear day. Yes. उन्होंने कहा कि someday this would become a text to me। मैं आपको अय्यूब में देख पा रहे थे और एक घटना को देख पा रहे थे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या हुआ। Thanks, try to understand this। खुदावन हमारी समझो खोले। अय्यूब ने एक दिन सुबह ऐसे बैठा था और तब नबी ने बोला because this scripture is parenthetical, ये कोष्ठक में है, इसलिए कि ये यहाँ बिलोंग करता नहीं है, उस अध्याय में, लेकिन ये यहाँ का है नहीं। आप इसे मारी हो? That's right। ये है 19 में। मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने क्या बोला? ये है 19 में, लेकिन ये 19 का ना होके ये स्क्रिप्चर लगभग बिलोंग करता है 41-42। आपकी समझ मारी है? ये 41 और 42 वाला है स्क्रिप्चर, ये 19 वाला नहीं है। ये लिख यहाँ दिया। ये भी चीज मैं नहीं समझ पाता। अगर एक नबी नहीं होता और एक नबी ने अय्यूब के बारे में नहीं बताया होता तो ये वाला पार्ट भी मैं जिंदगी भर नहीं समझ पाता। नबी ने ये बोला जब एलीहू ने आके बातें करी और कहा मैं तुझे जस्टिफाई करने आया हूँ। अब 19वें अध्याय में तो मुझे एलीहू दिखता ही नहीं। एलीहू का तो आना ही करीब 38 के बाद 37-38 के आसपास होता है। एलीहू तो उस अध्याय में आके है। तो नबी ने कहा जब एलीहू ने आके बोला उसे कहा व्हाई आर यू जस्टिफाइंग योरसेल्फ बिफोर गॉड, ये काम तो गलत कर रहा है कि तू अपने आप को खुदा के सामने धर्मी ठहरा रहा है। नबी ने कहा देन द ब्लास्ट टुक प्लेस। इट इज आफ्टर एलीहू केम, ये चीज अय्यूब के जीवन में हुई। मुझे भी ये वाली बात भी कभी नहीं मालूम पड़ी। मैंने दो बातें रखी आपके सामने। अब्राहम ने अय्यूब की कब्र देखी, मुझे नहीं मालूम। अगर एक मलाकी चार आ जाए और ये मैं जानता हूं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, ये तब कहा जब एलीहू की बातचीत हुई। मैं नहीं पकड़ पाता, लेकिन जब तक मैसेज ना खुले और कोई आए नहीं समझाने वाला, समझ कैसे सकते हैं। धन्यवाद हो एलिया के, धन्यवाद हो इस एलिया की आत्मा के लिए जिसने आज मुझे और आपको विजिट किया। धन्यवाद हो खुदा ने अपना एक ऑफिशियल टीम का भेजा होली को एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में भेजा, जिसको आप का नाम मुबारक हो। जब वो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट ने ये बातें बताएंगे। ये राज हमारे सामने खुलना शुरू हुई। तब मैंने बाइबल और गार के पढ़ना शुरू किया। मुझे हर पॉइंट याद नहीं है और अहम करे मैं बैठ हुआ याद आ जाए जिनको खुदा ने चाह धीरे धीरे हम रखेंगे। लेकिन मैं कुछ बातें क्योंकि आज एक इन्फॉर्मेशन है मैं रखने की कोशिश करूंगा। अय्यूब ने जब एलीहू से सुना, चौथा जन एलीहू आए, तीन आ चुके थे लेकिन कोई शांति नहीं दे पाए। जी सर। लेकिन जब एक चौथा एलीहू आया, नबी ने बोला वो तस्वीर है मसीह की। आमीन। ये मसीह का आत्मा था जो उतर के आया एलीहू में ये कहने के लिए मैं तुझे दोष लगाने नहीं, मैं तुझे जस्टिफाई करने आया हूं। तू अपना जस्टिफिकेशन मत खोज। जी हां जी हां। अपने आप को धर्मी ठहराना बंद कर दे। Essences, jo, let go. Amen. If you want restoration, hallelujah. If you want to be restored, yes. If you want all that the worms have eaten, yes. Be restored. Yes, sir. एक तरीका है. You can't restore yourself. तू अपने आप को restore नहीं कर सकता. I am the God of restoration. Amen. And just believe on me and wait. Amen. And wait. और देखो तुम्हारी घड़ी आएगी. Yeah. And you will have your restoration. Amen. जब तुम्हें मैं वापस बाहर करूंगा तब देखना। हाँ एक चीज है, तुम क्लेम कर सकते हो अपना रेस्टोरेशन। यस, आई गिव दैट पावर। यू कैन प्रे, यू कैन से लॉर्ड व्हेन, ये तुम कर सकते हो। बट देन माय पॉइंट इज रेस्टोरेशन देने वाला मैं हूं। आमीन। टाइम आएगा एंड आई विल रिस्टोर यू। आप इसे पा रही हो? जो कुछ तुम्हारे जीवन में पुराना घटा जिसमें तुम घाटे में गए, तुम्हारे सारे घाटे अय्यूब एक दिन में। बाइबल में लिखा है अय्यूब की किताब यहाँ क्लोज होती है जहां उसने कहा मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Amen. Amen. Yes. वहीं पे खुदा उसे मिला था। अभी मैं बात करूंगा उसके आगे। और तब वहीं पे खुदा ने अय्यूब को बरकत दी और बरकत ये दी कि उसे दुगना भाग दिया। Amen. जो उसने खोया था Amen. उसका दुगना मिला। Amen. और क्योंकि उसका नाम है डबलिंग, डबलिंग के लिए वर्ड है मक्के।
जो कुछ आपका खोया उसका पुनः मैं तुम्हें In other words, जो कुछ आपने खोया in the process of restoration, yes. I will return to you the double. That's what Makpela means, doubling. Amen. It was a place of doubling. Amen. It was a place जहाँ पे खुदावन की आशीषें अय्यूब को मिली. Amen. I want to tell you, हजारों साल पहले आया, सैकड़ों साल तो मैं अब्राहम से कह सकता हूँ, अब्राहम से सैकड़ों लगा देते हैं, हमारे से तो हजारों ही लगा दीजिए. Oldest book है Bible की. जो कि नबी ने बताया लेकिन बाइबल के बीच में आ गई. yes. जेनेसिस बाद में लिखा गया, अय्यूब पहले लिखी गई. अजीब लगता आपको? जेनेसिस बाद में लिखी गई, अय्यूब उससे पहले लिखी गई. इससे पहले कि जेनेसिस लिखा जाए और क्रिएशन शुरू हो, एक किताब पहले है उससे. आई नो माय रिडीमर. इससे पहले कि क्रिएशन का काम शुरू, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ. ये परिभाषा आपने सीखी बाइबल को, हमेशा खोल के उत्पत्ति से पढ़ते हैं. बट दैट वाज रिटन बाय हु? मोसेस. आपकी समझ आ रही है? लेकिन इससे पहले कि मोसेस ये पहली लाइन पेन करे, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, उससे पहले एक जन आ चुका था जो ये लिख चुका, काश मुझे लोहे की टांगी से लिख दिया जाए. आई नो माय. तो सीक्वेंस एक्चुअली बाइबल का जो लिखने का था वो ये था, आई नो माय रिडीमर लिवेथ, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन. आमेन. इन अदर वर्ड्स, इवन बिफोर यू कुड टॉक अबाउट क्रिएशन, देयर वाज अ रिडेम्पशन. आमेन. आमेन. समबडी कॉट अ रिवेलेशन. आमेन. लाइफ आफ्टर डेथ. आमेन. जस्ट अ मिनट. आमेन. पढ़ने की कोशिश करिए. यस. बिफोर जेनेसिस लिखी जाए, अभी तो उत्पत्ति एक भी नहीं लिखा गया, फिर उत्पत्ति दो लिखा जाएगा, फिर उत्पत्ति तीन लिखा जाएगा, जिसमें द डे यू इट डरों दैट डे यू शुड डाई एंड देन द मैन डाई, जिसका इफेक्ट आज भी चल रहा है. बिफोर द मैन कुड डाई इन जेनेसिस 3, अ बुक ऑफ जॉब हैड बीन रिटन. आमेन. आमेन. रिकॉर्ड्स में, एक्शन में नहीं, रिकॉर्ड्स में. इससे पहले कि रिकॉर्ड्स में, जब बाइबल का लिखने की सीक्वेंस आएगी, सुनिए, समझने की कोशिश करिए. इससे पहले कि मूसा ये रिकॉर्ड में डाले कि तीसरे अध्याय में कैसे उन्होंने फल खाया और वो मर गए, उससे पहले एक रिकॉर्ड लिखा जा चुका था. और वो क्या रिकॉर्ड था? कि मरने के बाद जीवन है. अब इंसान मरा नहीं, उससे पहले रिवेलेशन आ चुका कि मरने के बाद एक जीवन है. आपकी समझ आ रही है? अभी वो रिकॉर्ड बना भी नहीं उस पति का, कि जो का रिकॉर्ड पहले बन चुका है. अब आपको ये बात समझ में आएगी कैसे ये ओल्डेस्ट किताब थी और कैसे इस किताब में अय्यूब ने सहा, लेकिन वो सहना एक पीरियड के लिए था. Paul was like, the sufferings of his present time are not compared to the glory which shall be revealed. For the earth waited for the manifestation of the sons of God. But you know what? They had to go through some periods of testing and trial. Job had to go, but out of all them, God said, I will hear his prayer. In other words, ये है मेरा प्रिय पुत्र, अब मैं इसकी सुनूंगा. ये जो दुआ में कहेगा, मैं इसकी दुआ सुनूंगा. God had adopted Job. But before his adoption, there's suffering. But remind you, suffering eternal नहीं है. Suffering का end है. एक दिन आता है जब suffering खत्म हो जाता है. मौसम पलटता है, समय पलटता है. जब समय पलटता है, तो वहाँ पे फिर कुछ होना शुरू होता है. The invisible became. I have now received a message for the first time. That's right. Job started seeing God's reaction. Amen. I love that line very much. Amen. आपने बहुत दिनों तक विश्वास किया किसी बात पे, लेकिन खुदा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. बट एक दिन आया जब आपको पहली बार एक खुदा का रिएक्शन सुनने को मिला. Now you know God started reacting to what you believe. आप जो विश्वास कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है जो बाकी विश्वास कर नहीं सकते. आपने असंभव पे विश्वास किया. आज जब मैं आ रहा था तो बोर्ड पे लिखा हुआ था. आप कहेंगे भाई आप बोलते हैं, फिर आप ही बोलते हैं. लेकिन मैंने बोर्ड पे देखा था, ये घटना तो घटना है,
और बोर्ड में है तो मेडिकल एडवर्टाइजमेंट, लेकिन उस पे लिखा था असंभव संभव, और संभव को गोले में डाल दिया, आ बाहर कर दिया, और ये बोला असंभव अब संभव है। हम और आप अब ऐसे मौसम में अब आ गए जब असंभव कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए तो असंभव ही है, लेकिन असंभव संभव है कुछ उनके लिए जो खुदा के लिए। फाइन कि मैं आपको बताऊं क्या हुआ। देन जो जबकि अपने जीवन के लोएस्ट आर पे है, ही सिटिंग देयर ऑन हिज एशी, उसके दोस्त अब चुप हो चुके हैं, एलीहू भी आगे बात कर चुका, नबी ने कहा ही हर्ड अ ब्लास्ट ऑन अ क्लियर डे, आमेन। And when he saw that blast, उस ब्लास्ट में एक विजन खुला, Amen. और जब वो दर्शन खुला, he could see another Job. Amen. उसने देखा वो निकला अय्यूब, Amen. उसने अय्यूब को निकलते हुए देखा, Amen. इस जगह से, Amen. वो जगह उसकी आंखों के सामने थी, Yes, yes. जब वो जगह देख ली, ये है जगह जहां से अय्यूब चाहे कीड़ियों से खा ले निकल के बाहर आए, और उसने ये देखा वहीं पर एक और खड़ा है सफेद पोशाक में जिसके बाल ऊन जैसे हैं, और एक बदन में खड़ा है वो जी, और अय्यूब ने जब उसको देखा पहचान लिया, उसे रेवलेशन मिला, ये रहा मेरा छुटकारा करने वाला। इतने सालों से मैंने कईयों के लिए दुआएं करी, मैं खुदा और इंसान के बीच में खड़ा हुआ, मेरी ये दुआ थी और मेरा एक सवाल हुआ करता था, मेरे लिए कौन खड़ा होगा, लेकिन अब पहली बार मैंने देख लिया मेरे लिए कौन खड़ा हुआ है। जब वो ब्लास्ट हुआ और अदृश्य एकदम दृश्य में आया, he first saw the hair, वो बादल भी उसने आंखें देखी, फिर उसने वो बादल देखा, फिर उसने चेहरा देखा, फिर उसने पूरा शरीर देखा, पूरा शरीर खड़ा हुआ है। मैं सीक्वेंस को बोल रहा हूँ, आप भी जन पहचाने में क्या कहना चाह रहा हूँ। और जब वो सामने आके खड़ा हुआ और तब उसने देखा जैसे ही वो पृथ्वी में खड़ा हुआ, वो किसी गुफा से निकला था, उसने वो गुफा देख ली, बाद में यूसुफ अरमतिया की कहलाई थी, और देखा कैसे वहां से कोई निकल के आगे खड़ा हुआ, जब वो निकला तो मैं भी निकला, उसने फ्यूचर देख लिया, देख लिया एक दिन आ रहा है जबकि मार भी स्थान होगी जहां मैं अपनी कमर बनाऊंगा।
जो मुझे मालूम है मैं मरा नहीं रह सकता, मैं जानता हूँ मरा नहीं रह सकता, जब मेरा छुड़ाने वाला खड़ा होगा मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो जीवित है, ये ईश्वर का प्रकाश है, वो मरा नहीं वो जिंदा है, और मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और चाहे खाल को और जिस्म को कीड़े खा जाए योएल के तब भी मैं इसी शरीर में खड़े होके ये है वो जगह जहां कब्र बने, फिर जगह चूज कर ली। खुदा ने बाद में कहा अय्यूब से कहो तुम तो हो बेवकूफ जी, तुम तीन की दुआओं को मैं नहीं सुनूंगा, अय्यूब से कहो वो चढ़ाएगा तुम्हारे कुर्बानी, मैं उसकी दुआ सुनूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अय्यूब ने कहा मैं वहीं मनाता हूं, वहीं जाता हूं, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आ गया। और जैसी जगह पसंद आई और जगह चुनी भाई, वो जगह सोना दब गई, वो जगह का रेजोल्यूशन क्या मिला कि उस दिन के बाद से अय्यूब की तो किस्मत ही पलट गई, क्योंकि उस दिन के बाद खुदा ने कहा अब मैं तेरा सब लौटाता हूं, जो तेरे बच्चे गए साथ वो सात युगों के सब वापस आ गए। तेरे सारे बच्चे, तेरे सारे माल असबाब, जो कुछ खोया उसका मैं दुगना तुझे देता हूँ। अय्यूब ने कहा बहुत बढ़िया जगह का नाम फिर मकपेला ही है, यहाँ हर चीज दुगनी हो जाती है, वो जगह है जहाँ हर चीज दुगनी हो जाती है, एक आता है दो करके जाता है। आपके तो मेरी दुआ है एक भाई के परिवार के लिए कुछ ऐसा हो, आए तो तीन लेकिन यहाँ से निकले कुछ हो, और मैं आपसे कहूंगा कि वो एक ऐसी जगह बनी जहां हर आशीष है अय्यूब की जो खोई थी वो डबल होके उसके साथ है। तो खुदा का नाम मुबारक हो, वहां उसने कब्र बनाया, उसका नाम रखा गया बाद में मकपेला, क्योंकि ये जगह थी दुगने वाली। बाद में वो जगह पड़ी कनानियों के हाथ जब जमीन डिवाइड हुई, आपको मालूम है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो डिटेल है, वो लॉर्ड विलियम संडे की मीटिंग देखी बाद में, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, कवर बन गई और लैंडमार्क खड़े कर दिए गए, और ये कहा गया ये दी फेमस कवर, जैसे आज की तारीख में मुझे बताइए क्या जब ताजमहल जाते हैं तो क्या नाम था उसका, मुमताज था नहीं, मुमताज की कवर नहीं देखते कहते सबको मालूम है कि अब ये घटना 400-500 साल पहले हो चुकी, लेकिन आज भी सबको मालूम है ये मुमताज की कवर है। उदाहरण के तौर पर जब जाते हैं वहां पे, अरे शांति पथ नहीं राजघाट और जवाब भाई ये गांधी का स्मारक है, यहाँ गांधी का ये जगह तो ये आज भी स्मारक है ना, देश बढ़ गया 70 साल हो गए, कितने साल हो चुके हैं सबको मालूम स्मारक। ऐसे ही अय्यूब के माइटी रेवलेशन के कारण वो कबर एक स्मारक थी और उसकी चर्चा दुनिया भूल चुकी थी, बेबीलोन भूल चुका था, लेकिन सारा वो चर्चा अब्राहम तक पहुंच चुकी थी। जब बाद में खुदा ने कहा मैं तुझे बुलाता हूँ उसी देश में चल, वो तैयार हो गया उसी देश में जाने के लिए, और जब वहां पहुंचा और उसके घर में एक ट्रेजेडी हुई कि उसकी पत्नी सारा सो गई, मैं सो गई कहूंगा, तब जब समय आया कि अपने मरे को हम कहां गाड़े, तब उसने कहा कि वो जगह देख ली उसको मालूम थी वो जगह, उसने कहा मुझे यही जगह चाहिए। ने जब बात करी, जब डिस्कशन हुआ, अरे मैं तो दे देता हूँ, आप ले लो, आप क्या बात कर रहे हो, उसने कहा इसका दाम बताओ, दाम था 400 शेकेल चांदी, चांदी आप जानते छुटकारे को दर्शाता है, चांदी दे के वो जगह मोल ली गई अब्राहम के द्वारा, इस जगह को मैं शोर बनाता हूँ। और वहां लिखा है बाइबल, आप ध्यान से पढ़े, मैं नहीं पढ़ रहा, वहां के पेड़ और उस जमीन की हर चीज कागजों में लिखी गई और शोर करी गई कि आज से अब ये अब्राहम की है, अब्राहम ने वो जगह ही परचेज कर ली, जैसे आज भाई पेरी ग्रीन ने वो पहाड़ी परचेज कर ली,
Amen. Yes. जहाँ पे mighty visitations हुए. Amen. उन्होंने कहा खुदा ने मुझे resources दिए तो why not? Yes. और उन्होंने लगा दिया पैसा. ऐसे ही अब्राहम ने कहा अगर गढ़ेंगे तो यहीं गढ़ेंगे. ये है गढ़ने का स्थान अय्यूब के पास होना चाहिए. यही जगह है. मुझे अब भी याद है ये बात भूली गई थी. मैं जानता हूँ पृथ्वी पर यहीं पे हमारा छुड़ाने वाला यहीं खड़ा है. हमें मालूम है छुड़ाने वाला यहीं खड़ा है. यहीं आए वो यहीं आए. हालेलुया. वो बादल यहीं दिखेगा. यहीं दिखेगी. वचन के अनुसार क्योंकि इनके पास एक मुकाशफा था. ये है वो चुनी हुई जगह जहां पे मुकाशफा है एक छुड़ाने वाले का. तो मकपेला केवल एक कब्रिस्तान नहीं था. कोई सोचे भाई हमने अपने घर का नाम मकपेला रखा. अरे मकपेला तो नाम एक कब्र का था. आपने कब्र कब्रिस्तान ही बना लिया अपने घर को. नहीं, एक विचार है सच्चा विचार. मकपेला गुफा दी जाओ मरे अपने घर का नाम मकपेला रखने मतलब क्या अंदर मरे पड़े क्या. मतलब कहने का यह है कि क्या ये कब्रिस्तान है लेकिन वहां पे मुकाशफा है. अब वो मुकाशफा खाली मरे मरे हुए का नहीं है. यहाँ मुकाशफा एक छुड़ाने वाले जिस छुड़ाने वाले ने चीजों को दुगना कर दिया. जिस छुड़ाने वाले ने अय्यूब को ब्लेस किया और एक विजन दिया जिसमें वो सोया. बाद में अब्राहम वहीं सोया. और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ प्यारे भाइयों बहनों. अब तस्वीर समझने की कोशिश करें. उस दिन पहले कुछ नाम हैं जो हमारे बीच में चल रहे हैं और जिन नामों के भेदों को धीरे धीरे अनफोल्ड किया जा रहा है हमारे बीच में. आपके थोड़ा सा धन्यवाद. वहां से दो साल पहले हमारा घर उसका नाम ब्यूला रखा. उसके पीछे मेरे पास एक डेफिनेट रेपुटेशन है. खुदा का नाम मुबारक. भाई मिशेल का ईगल रॉक कह रहा है. भाई डोनी का ममरे कह रहा है कि हमने ममरे को योग लीड किया. ममरे के बाद फिर उसके बाद कुछ और घर आए. फिर हमने बेतनी को फिर बेतनी के बाद एक्वेरियस को हमने और एक्वेरियस के बाद आज हम मकपेला को. व्हाट इज इट कि फाइनली हम अपनी जर्नी में उस स्थान पे अब आ रहे हैं जहां पे कि कुछ होने वाला है. ये है वो स्थान. मैं इस खाली घर की बात नहीं कर रहा. मैं स्पिरिचुअल मकपेला और एक कल पता नहीं कैसे हुआ हमारी जमीनारी में जागा रहा एक वीडियो आ गई सामने. चेक शर्ट है हमारी नीली और मैं वही आई थिंक मोरिंडा में प्रचार कर रहा हूँ. वो वीडियो मैंने ऑन कर दी. जब वीडियो ऑन करिए तो वहां पे मेन पॉइंट जो वहां हिट किया जा रहा है एक बहुत जबरदस्त पवित्र आत्मा का अभिषेक. आमीन. यस आमीन. जो कि इन लोगों को हालेलुया. उस साल मैं प्रचार कर रहा हूँ जी भैया और एक जबरदस्त अभिषेक पृथ्वी पे आने वाला है. आमीन. ना अब नोटिस करें ये चिन्ह हानि हमारे साथ हो गई. जैसे एक ट्रेन गुजरती है सनमारी आपके स्टेशन के बाद स्टेशन भाई टूटला निकल गया. भाई टूटला के बाद आपका ये क्या कहते हैं अरे वो पंखी निकल गया. पंखी के बाद अब आपका गोविंदपुरी आ गया. गोविंदपुरी आने मतलब स्टेशन ही आ गया. उठना शुरू कर देते नहीं कानपुर आ गया भाई. ऐसे जैसे दिल्ली आ रहा है तो भाई ओखला आ गया. अरे भैया आ गया अब तो स्टेशन ही आ गया. साबुद्दीन आ गया अब तो बहुत करीब आ गए. उठो भाई तैयार हो हरकत में आ जाओ. ऐसे ही कुछ स्टेशन आ रहे हैं हमारे स्टेशन गया स्टेशन ही गया अब यह स्टेशन आ गया. अब ये स्टेशन बता रहा है कि अब तो बहुत करीब आ गया. What a day. Amen. Today is, I think, July 3rd, right? Second or third? Second. Today is 2nd July and 4th was the Independence Day. Yes, sir.
And just before Independence Day, around this time, he saw the preview of the bride. Yes! Hallelujah! Amen. And on 4th July, was Independence Day, on 5th July, he preached Master's Prayer. Yes. But before 4th, on 3rd or 2nd, he saw this vision. Amen. And he saw if there will be a bride. Amen. What did he see on that day? Yes, sir. Who's July again then? Yes. And he was at Westport Ho Hotel. Him. Amen. But you catch the message? He saw a bride. Amen. He saw Miss America, Miss Asia. Yes, he saw only churches. But finally, he saw onward Christians. Amen. He saw them marching to as tomorrow, Jare. And finally, yes, saw sir. That group is going up. Amen. That's a July vision. Amen. That's a July vision. Can you catch it? Amen. Hallelujah. Amen. Let's take another again. That's around that same time. Amen. When he saw this vision. Yes, sir. Soch ke dekhiye. Bilkul. Bula naam mubarak. Amen. And where are we? That's right. Where are we? Amen. Hum us samay pe aa chuke hain when things are bound. Amen. Just a little while. Amen. And hum jo yahan hain, hum yahan honge nahi. Hallelujah. Amen. What up? Amen. होगा इन्हीं घरों में जिनमें इनोग्रेट करके हम घुस रहे हैं इन्हीं में संत आएंगे घर में कोई आएगा बैठेगा बात करेंगे वो कहेंगे अरे आप हाँ हाँ तब आप सुनवा कर काम चलो सुनवाई कहाँ का होगा भैया मुझे नहीं मालूम लेकिन कहीं ना कहीं तो होगा जब देखना शुरू होंगे घर खरीदे जाते हैं रहने के लिए आप अजीब नहीं लग रहा ये घर खरीदे जा रहे हैं एक टेम्पररी अबोर्ड के रूप में जहां से उन्हें ये ट्रेडिशन भी शायद हमारे साथ शुरू हुआ घरों के नाम रखना जब हमने एक नाम रखना शुरू किया तो लोगों ने कहा नाम रखना तो भी नाम रखने चालू हो गए और आज नाम रखते रखते आज हम इस नाम पे भी पहुंच गए बेहतरीन लास्ट स्टॉप था जिसके बाद उड़ना था एक्वेरियस वो जगह थी जहां से आउटपोरिंग थी उसकी मिस्ट्री खोली गाजियाबाद में फिर उसके बाद फिर हम आ गए फरीदाबाद में आप नोटिस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है फरीदाबाद गाजियाबाद फिर फरीदाबाद नाम है जो खुल रहे हैं ये नाम जैसे आज भैया भाई अभिषेक बैलरीन और भैंसों का क्या घर था क्या खुदावन की तारीफ हो एक एक नजरिया देखने का ये लेकिन जो आत्मिक जन है वो ये देख रहा है यहाँ ही भेद खुल रहा है रिबन कटा मेला मेला के भेद का रिबन कटा आज ये भेद इनॉग्रेट हो रहा है आज ये जो मेला की ब्लेसिंग है इनॉग्रेट हो गई नेचुरल डार्क स्पिरिचुअल लाइट गई हुई है नीचे लाइट नहीं ऊपर लाइट नहीं सामने लाइट नहीं पीछे लाइट नहीं यहाँ लाइट शाम के समय उजाला नेचुरली भी वही है और स्पिरिचुअली भी यही है इतने ढेर सारे घरों में क्या लाइट है मैं बात कर रहा हूँ आत्मिक तौर से लेकिन यहाँ पे वो लाइट खुदावा का नाम मुबारक हो आशीषें लेके आए जिसमें जिस्मों को बदलना है
जिसमें कब्रों का खुलना है और मैं कहूंगा जिंदा ही बदलना रहे। खुदावा का नाम मुबारक, प्रभु के नाम की तारीफ हो, और जो खोया उसका दुगना पाना। खुदावा का नाम मुबारक हो। एक टाइम होता है लुटने का, तो खुदा क्या फिर एक टाइम होता है भरपाई का। जब भरपाई होती है तो जितना लुटा उसका दुगना रहे। अगर आपने खुदा का हाथ थामा है और आपने विश्वास उस जिंदा खुदा पे किया है, मौका तो दे, वक्त दे, और जब वक्त आएगा तो ये भी देखिए खुदा करते क्या है। एक से रूल लाएंगे और एक से कमिश्नर पास करवाएंगे ताकि आपका फायदा हो। आमीन। आमीन। खुदा हमारे बच्चों पे रहम कर, खुदा ने हमें बॉडी कैंसर करा दिया इस साल, चल बेटा, और सबको पास करना पड़ेगा। चलो भाई हो गया, इस तुफैल में निकल गए। खैर एक तुफैल नहीं कहूंगा मैं इसको, रहम ही कहूंगा। फिर उसके बाद भैया हमारी ये प्रॉब्लम है, खुदा का मैं रूल पास कराता हूँ जिसमें तुम्हारा फायदा हो, और तुम्हारा फायदा हो कि तुम निकल जाओ। सजमाए हमारी मम्मी के साथ क्या हुआ, वो एडवॉक पे लगी थी हेब्रन मेमोरियल स्कूल में, बहुत पुरानी बात है। यस यस यस, तुम्हें याद है। और तब उस साल क्या हुआ कि बात ये थी भाई एडवॉक में है तो नौकरी जा भी सकती है, और उस समय पैसे की किल्लत थी, चाहिए था नौकरी चाहिए थी। पापा हमारे नेवी में थे बेचारे, और जितना भी मिलती थी, और चर्च कोई खास बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो पीटर भाई का परिवार, और उसमें भी मैं सोचता हूँ कि पीटर भाई हुए, अजीत मामू हुए, स्टैंप अजीत भाई थे, दो तीन लोग बस, और कोई नहीं था ज़्यादा, कोई बड़ा चर्च नहीं। पैसे की बड़ी किल्लत, भाई घर भी चलाना है, तीन बच्चे हैं, और घर का किराया भी था। तो खैर वो तो नेवी की तरफ से किराया निकलता था, लेकिन खाने पीने और चीज़ों के लिए, तो उन्होंने कहा हम काम करते हैं। अब वो काम भी मिला तो नौकरी मिली स्कूल में, तो एडवॉक की। अब उन्होंने कहा प्रभु रहम करे, प्रिंसिपल बहुत बढ़िया मिसेस सारा जॉर्ज, शी वाज वेरी नाइस एंड बहुत दयालु थी मम्मी पे, लेकिन फिर भी रूल तो रूल कि भाई आपको हटाया जा सकता है, आपकी जगह कोई और लिया जा सकता है। भाई उसी टाइम कोई रूल आया, मैं भूल रहा हूँ, रूल ऐसा आया कि उस रूल के अनुसार उन्हें परमानेंट ही करना पड़ेगा। जिसने इतने साल काम कर लिया अब वो परमानेंट हो जाए, अब वो परमानेंट हो जाए, कोई ऐसा रूल पास हुआ उसी कुछ महीनों के अंदर, और ऐसा रूल हुआ भैया वो परमानेंट हो गया सच में। और वो मार्क्स देती थी, हम उनकी चेकिंग करते थे मार्क्स, हम मतलब टूटने हमारे बच्चों के नाम अजीब अजीब, और फिर वो टोटलिंग बैठ के हम करते थे। God bless my mother. गवाही के तौर पर बता रहा हूँ कि देखिए जब जरूरत हो किसी चीज की तो खुदावन कैसे प्रोवाइड करते हैं। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ तो मेरे फिर भाई साजी ने बोला इस बात, और ये बात सच है कि भैया यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। मैंने कहा संजू भाई, साजी भाई, यहाँ पानी बहुत होगा। जिस दिन मेरी रजिस्ट्री हुई और मैं गया ऑफिस में वहां, तो बात कोई पानी को, मैंने कहा मैडम यहाँ पानी इतना होगा कि कमी नहीं होगी पानी की, पानी पानी होगा। मैं भाई फेथ बोल रहा था, क्यों क्या फेथ था भाई, किस फेथ से गया? फेथ ये था भाई जब एक्सोडस लोग गए जी, और जब आप निकासी में निकले, क्या मारा में पानी नहीं मिला? खुदा ने मीठा किया, फिर खुदावन ने चट्टान से पानी दिए, तो ये तो खुदावन है पानी देने वाला। यस, तो जब पानी ना मिले घर में तो उसका इलाज क्या है? ये खुदावन ऑफ कोर्स देखिए टेस्ट सिखाते हैं। आमीन। हम लोग भी बहुत अलर्ट होते जा रहे हैं, दिल्ली में रहकर से इतना अलर्ट नहीं हो, जब यहाँ रहकर बहुत अलर्ट होते जा रहे हैं। अलर्टनेस वर्शिप सिखा रही है। क्या चीज, जब घर में पानी ना आए तो फोन ना लगाओ, वर्शिप चालू करो। जब आप वर्शिप करेंगे पानी आ जाएगा, होता है। दूसरे क्या नहीं, फोन पे फिर भी आता रहता है, भाई आपके आया नहीं आया नहीं आया, और यहाँ भर रहा है, ऐसे ही हो रहा है भैया, ऐसे ही हो रहा है। तो हमने बाय फेथ कहा कि भाई आप देखना पानी की किल्लत नहीं होगी। जिस साल हम शिफ्ट हुए उसी साल सारी ये बिजली की लाइनें हमारे एरिया में तो खैर डली नहीं थी, तो कट लगते थे पांच पांच घंटे, सच में बड़े लंबे लंबे कट लग रहे जी। तो भाई थैंक गॉड खुदा ने कल दी, भाई जनरेटर लिया तो वो चलता रहा, लेकिन लाइट बहुत जाती थी, बहुत गई लाइट। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, धीरे धीरे वो भी सिचुएशन इंप्रूव हो गया। Amen. Yes. Amen. तो करने का तरीका खुदा का है। Yes. Amen. आप अगर खुदा का साथ लें तो ये यात्रा है। Amen.
इस यात्रा में भाई कई चीजें देखने को मिलेंगी, एक्सोडस के लोगों को मिलेंगी। अब उस यात्रा में आप क्या करते हैं ये आपकी बात। अब आपके संग मारिए, मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ जिस खुदा ने अब तक खिलाया और प्रोवाइड किया, आगे वो ही प्रोवाइड। आपके संग मारिए, बाबा का नाम मुबारक हो, प्रभु ही प्रोवाइडर है, प्रभु ही आपके लिए हम सबके लिए प्रोवाइडर है। बस प्रभु पे भरोसा रखिए। चला ऐसी आज भाई मकपेला का इनॉग्रेशन हो गया, यानी अब यहाँ से आशीषें डबल हो गई। खुदावन का नाम मैं जब बहन शोभा की टेस्टिमनी सुनता हूँ, बेटी अरीन यहाँ बैठी है, सब इनकी गवाहियां मुझे मालूम है। भाई अभिषेक धन्यवाद हो, शादी हुई, बहुत बढ़िया परिवार है, लेकिन इस परिवार ने भी काफी कुछ खोया। अगर मैं एक परिवार की बात लूंगा खोया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मकपेला का मतलब है जो खोया अब उसका दुगना होने वाला। अगर आप में से कोई यहाँ बैठा है इस वक्त या आप जो सुन रहे हैं, आपने कुछ खोया, आज आप भी अपने घर में एक लड्डू बांटिए। आज मकपेला का इनॉग्रेशन हुआ है, एक जगह जहाँ आशीषें दुगनी हो जाती है, यानी कि जो खोया उसको दुगना करके खुदा लेगा। तब अय्यूब की किताब खत्म होती है, अय्यूब किताब यहाँ जाके खत्म होती है। यस सर। और कितनी अजीब बात, आज मकपेला का इनॉग्रेशन हो रहा है, उधर संडे को हम जो स्टार्ट करते हैं। yes. जैसे ही हम जो के कैरेक्टर पे पहुंचे, तभी भाई का घर की चाबी ने मिली। Yes. अब सेटिंग नहीं जो है इधर मत प्रभु के नाम की तारीफ। फरीदाबाद में आगे बल्लभगढ़ में मैं एक रेस्टोरेंट में खाता था, हंसते भी थे सब। उसका नाम है गुफा, आज भी है वहां, उसका नाम है गुफा रेस्टोरेंट, मोना रोड पर है। कभी आपको मौका लगा, जब मैं फ्री होता हूँ कभी हो जाऊ तो मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे ठीक ठाक खाना था उस टाइम, तो क्या भाई कहा हूँ गुफा में, गुफा में खा रहे। तो वो बखैर जैसे भी थी, आज तो सच में गुफा कितनी खूबसूरत गुफा, कमरे फ्रिज हर चीज एक से एक, एसी लगे गुफा में। और सोच के देखिए कौन सी जगह, कौन सी गुफा है जहाँ पे रेवलेशन एक रिडीमर एक छुड़ाने वाले। मैं कहूँ भाई अभिषेक सोच के देखें, भाई अभिषेक कहीं परिवार में और ढेर सारे लोग हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ इन जनरल, भाई के संपर्क में उनकी ऑफिस में कई जगह कितने लोग आएंगे, लेकिन कितनों को ये गुफा मिली, कितनों को मकपेला की आशीषें मिली। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि वो आशीषें आज भाई के पास है। सो आज खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। बस 10 गज पे मुमरे हैं, मुमरे के पास जब मैं रुका, मैं मुमरे के सामने रुका जी हां, भाई हमारी छोड़ी थी पिकअप करने वाले मुमरे के पास आए। आमीन। और मुमरे समय में बिना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये समय है, आमीन, अब ये समय है कि हम एक रैप्चर, जुलाई का दर्शन भूलने वाला नहीं। यस राइट ब्रदर, लव दैट विजन। यस ब्रदर। जब दर्शन खात्मे पे बोला एंड रैप्चर से पहले बाबे घटना घट रही है, ही स्क्रीमिंग लाउड ही गेट बैक इन द लाइन। एक दो हैं जो भटक रहे हैं, गेट बैक इन लाइन, गेट बैक इन लाइन, दैट्स द लास्ट थिंग, आफ्टर दैट द ग्रुप इज गोइंग। Yeah.
Yes, my Lord. This place of resurrection. Amen. This anointing ke liye. Amen, Lord. Hamare bakshi. Amen. Amen. Bhaiyon ke sab kuch payenge. Aur main chahunga humein se koi bhi ek bhai ek hamari prarthna kare, fir hum ek dua karke hum log khatam karenge. कैसे प्रभु अय्यूब बाहर निकल के आ गया उस कब्र से खुदावन, कैसे प्रभु अब्राहम निकल के आ गया प्रभु, कैसे खुदावन मैंने कुछ दिन पहले वो नबी का मैसेज पढ़ा जहाँ पे नबी कह रहे हैं कि क्योंकि क्यों अब्राहम ने यह कब्र खरीदी, क्योंकि वो जानता था कि अय्यूब ने कब्र इसलिए ली थी कि वो एक दिन यहां से ही अपने रिडीमर को देखेगा। Amen. और उसमें अब्राहम ने इसी रेवलेशन के साथ एक कब्र ली कि अगर अय्यूब यहां से अपने रिडीमर को देखेगा तो मैं भी यहीं खड़ूंगा, मैं भी सारा को यहीं जलाऊंगा, कि जब रिडीमर प्रकट होगा हम भी उस रिडीमर को यहीं से ही देखेंगे। मसीह हमारी मकबेला है खुदावर, क्या तुम माइटी एंजल आज इस बादल को उतर के आया, और कैसे एक बार भाई आशीष ने बताया था कि ये बादल है जिसमें ये है वो मकबेला की गुफा, कि जो इसमें जाता है वो मरा नहीं रह सकता, वो इंटरेक्शन होगा खुदावर। क्या तुम साथ में जबकि शब्द बोले गए प्रभु, इन्होंने हमारा स्पिरिचुअल रिजरेक्शन किया खुदावर, आज सुख में उन्होंने हमें जगाया खुदावर, जगाए गए खुदावर, प्रभु कैसे उसने हमें क्विकेंड किया खुदावर, कि वे इस रिजरेक्शन को देख सके खुदावर। ओ लॉर्ड जैसे नबी ने बोला यू आर द पार्ट ऑफ दिस रिजरेक्शन, धन्यवाद देता हूं कि कैसे आपने इस रिजरेक्शन के रेवलेशन को हमारे में प्रकट किया खुदावर, कैसे अय्यूब ने उस अय्यूब को निकलते हुए देखा खुदावर, उसने देखा कि इससे पहले हमको ये उतरा खुदावर, और फिर वहां से उसने अय्यूब का दर्शन दिखाया खुदावर। मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने हमें खुदावर एक ऐसे रेवलेशन से भरा प्रभु, ताकि हम इस घर का नाम मकबेला रख पाए प्रभु। मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हमने सीजन को पहचाना खुदावन, कि कैसे प्रभु जी एक समय आया खुदावन और आपने हमारे बीच में इस मूव को स्टार्ट किया, कि कैसे अपने घरों को नामों को रखना शुरू करा, कैसे वो ब्यूना लैंड निकल के आया खुदावन, कैसे वो ईगल रॉक निकल के आए, कैसे चलनी चलनी थी पिछले कुछ सालों के अंदर, और कैसे खुदावन ममरे निकल के आया, और इस ममरे के सामने ही खुदावन मकबेला पाई जाते थे वो खुदावन, जेनेसिस 18 में प्रकट हुए अब्राहम पे, वो खुदावन जब आप उसके सामने प्रकट हुए तो क्या आपको मकबेला नहीं दिख रही होगी खुदावन, वो खुदावन आप इस थॉट से उतरे थे खुदावन वहां पे कि आप एक रिजरेक्शन करने वाले थे, वो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके नबी ने बताया कि आपने अब्राहम और सारा की बॉडी को नहीं नया कर दिया प्रभु, वो खुदावन में आपने सारे की मरी भूमि को नया कर दिया खुदावन, वो मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आज ये माइटी एंजल जो उतर के आया प्रभु इस युग में उसने हम स्पिरिचुअल सारा के भूमि को रिजरेक्ट कर दिया प्रभु, ताकि हम प्रभु जी स्पिरिचुअल आइजैक को पैदा कर सके खुदावन, उस प्रॉमिस सन को प्रभु जो आज का संदेश है जो कि पूरा वचन है खुदावन, वो यीशु को अपने जीवन से पैदा कर सके खुदावन, ताकि वो एक दिन चिल्लाए जोर के शब्द से प्रभु, ताकि कब्रें खुल जाए प्रभु, वो खुदावन के मकबेला की गुफा में कैसे खुदा वो सीजन की ओर लेके जाती है, कि कैसे ये ब्राइट फाइनल वॉइस बन जाएगी खुदावन, और कैसे वो वॉइस ऑफ रिजरेक्शन को बोलेगी और हमारे सब जी उठेंगे। मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूँ खुदावन, कि ये घर तो देखने में प्रभु ईंट पत्थर लकड़ी हो सकती है, लेकिन आपने हमें भी इस वचन से भरा है जिसे आपने इस घर से जोड़ दिया खुदावन, मैं आपको इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कैसे अय्यूब को खुदावन उस परेशानियों के समय में खुदावन आप ऐसे समय पे ले गए, ताकि वो उस चीजों को सोच सके खुदावन, ताकि वो उस रिजरेक्शन के रेवलेशन पे आप उसे लेके आ सके। मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आपने सच में हमें भी ऐसे टेस्टिमोनी ट्रायल से निकाला, लेकिन प्रभु जी अगर वो टेस्टिमोनी ट्रायल नहीं आते खुदावन तो सच में हम आपकी ग्रेस को कैसे पहचानते, हम आपकी दया को हम आपके लव को कैसे पहचान करते, और आप इस सीजन में और आप इस समय में जो कर रहे हैं खुदावन हम कभी नहीं देख पाते खुदावन, लेकिन आपका धन्यवाद उन टेस्टिंग के ट्रायल्स के लिए खुदावन, वो प्रभु जी ताकि हम इस प्रमोशन को आज देख पा रहे हैं प्रभु जी, मैं आपको इसके लिए बड़ा धन्यवाद देता हूँ खुदावन, कि कैसे आज आपने उन बातों को बोला खुदावन जिन्हें हम सोच भी नहीं पाए प्रभु, लेकिन मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे पास्टर भाई को इस्तेमाल किया, आज आपने हमें आशीष दी खुदावन, मैं आपको कितना धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने हमारे घर में खुदावन सात भाइयों को उतारा प्रभु, और प्रभु जी भाई नहीं है खुदावन को, प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ ये सेवन अनॉइंटिंग है प्रभु जी, क्योंकि ये फाइनल वॉइस है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन,
जब इस युग में सात उतरे तो उन्होंने खुदावर रिजरेक्शन कर दिया खुदावर। मैं विश्वास करता हूँ खुदावर कि आज आपकी वो सात आत्मा इस घर में उतरे हैं खुदावर। एक अस्तानी में कुछ जो वचन बोले गए मकपेला के लिए कि वो मकपेला पे डबल की आशीष है बाबू, जैसा आपने वचन बोला बी अनटू मी अकॉर्डिंग टू थाई वर्ड। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपकी इस विजिटेशन के लिए खुदावर, और मैं आपके दिल से वेलकम करता हूँ खुदावर कि आपने इस दिन आपने प्रभु जी आला गुजारा किया खुदावर। मैं आपको बहुत बहुत नाम मुबारक देता हूँ, मेरे पास्टर भाई को बहुत आशीष और बरकत दे खुदावर, और माइक इस्तेमाल करें खुदावर, और खुदावर हम इस अय्यूब के रेवलेशन पे भर सके खुदावर, ताकि प्रभु जी मैं भी देख सकूं खुदावर एक दूसरे अभिषेक को खुदावर। वो खुदावर मैं आपके नाम को गुहारा करता हूँ, मेरे एक एक आयु भाई मेरे को बहुत आशीष और बरकत दे खुदावर, और इस सारे प्रोग्राम पे आपने बड़ी दया करी खुदावर। मैंने सच में देखा खुदावर की कैसे आपने हमारी बड़ी मदद करी, ताकि तमाम और कंडीशन थी खुदावर, ओ लेकिन आपने सीजन को पलट दिया खुदावर, आपने समय को इवनिंग टाइम को पलट दिया खुदावर। मैं आपका इसलिए बहुत बहुत इस धन्यवाद की वेब को विनती प्राप्त हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते मांगता हूं, सुने और कबूल करें। आमीन। धन्यवाद देते हैं खुदावर प्रभु यीशु मसीह फिर से कि आपने हम जन भाइयों को आज मौका दिया कि आप इस ग्लोरियस ओकेजन को फिटनेस कर सके। जब पुराने आपने एक प्यारे घर से भाई अभिषेक बैनरिंग बैन शोभा को आशीषित किया, जिसका नाम मकबेला रखा गया, और आज उसका फीता कटा, और आज हम उस मिस्ट्री में प्रवेश किए। खुदा हम स्पिरिचुअली भी कुछ यही हो कि हम उस मिस्ट्री में पदार्पण कर पाए, और ये एक ऐसी मिस्ट्री बने जो हमारी तमाम बंधुवाई को खत्म कर दे, हमें यहाँ से उड़ा के। आपका नाम मुबारक हो, और आपके नाम की जय से खुदा हम मेरी विनती और प्रार्थना है, एक मुकाशवा होता है इससे पहले भी किसी घर की नींव रखी जाए। yes, और आपने कहा मैं इसी चट्टान मुकाशवे की चट्टान पे अपना घर नामित करूंगा, ये मुकाशवा था इस परिवार के साथ, मकबेला का, जिसपे आज ये घर नामित हुआ। और खुदा दुआ है उस मुकाशवे को बड़ा रहने का फजल दे, और उसका जवाब इस रूम में दे कि यहीं से इनका रैप्चर भी हो, और हम सब भी खुद यहाँ आए, हम सब भी अब उड़ने वाले हैं। खुदा हम अपनी आमद को हेसन करें और तौफीक दें कि हम यहाँ से उड़ के जाने वाले हैं। दुआ है तमाम जो बलिष्ठा है लौट के आए, और खुदा आपके साथ सही रीति से चल सके, घर के लिए भी हमें तैयारी बख्शे, घर को बहुत ब्लेस करें, आपकी आशीषें यहाँ बनी रहे, हर दुष्ट की चाल जो काम करने वालों के कारण, औजारों के कारण या किसी भी कारण यहाँ पे आई हो, आपके नाम प्रभु यीशु मसीह नाम में यहाँ से तेज पौधा के लिए बाहर जाए, और आपका पवित्र आत्मा यहाँ चुंबिश करे, आपके लहू के अंदर इस घर को बांध दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो, हमारे रोज की रोटी हमें बख्शे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ फरमाए, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचाए, बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम, पवित्र आत्मा की रिफाकत, सात दूतों का अभिषेक और अब्राहम की आशीष हम में से हर एक के साथ अब से हो और हमेशा बनी रहे। आमीन। 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 तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।